بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. सही लाइक क्वेश्चन है ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना मियाँ बीबी के रिलेशन की और ये सारा तो मैं एक मियाँ बीबी को जानती हूँ उनके पास उस बंदे ने किसी से बात की कोई मौलाना थे या बहुत ही मजहबी थे उन्होंने उस बंदे को कहा कि तुम्हारी जो बीवी है कुरान में है कि जो तुम्हारी बीवी है वो तुम्हारी खेती है। हाँ जी। और इस बात पे उनका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हुआ। उस बंदे ने अपने ही कोई मतलब निकाल के उसको दिए और उस बंदे ने वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। वो जो बंदी मुझे बता रही थी फ़ोन पर तो इस तरह अपने मतलब निकाल लेना और इस बात का क्या मतलब है। इसका जवाब मैंने तो वैसे देखा है मुख्तलिफ जय्यद उलमा ने इसका जवाब आजकल यूट्यूब का दौर है और मीडिया का दौर है। मैं खुद चूँकि मेरे पास बहुत सी खवातीन आई पेशेंट्स जो मेरे क्लिनिक में मैं क्लिनिक प्रैक्टिस मेरी मैं फिजिशियन हूँ उसमें उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहे या साइकोलॉजिकली वो डिप्रेशन है सर दर्द है मुख्तलिफ उनके मसाइल थे। मैं उन्हें सूरह रहमान भी साथ चूँकि फीस भी अल्लाह बताता था या दुआ बताता था तो कुछ अरसे के बाद उन लोगों ने कन्फाइड करते हुए मुझे यही मसला बताया कि हमारा ये मसला है और आप हमारे खामंद को समझाएं। और अफसोसनाक बात ये थी कि उसमें कि कुछ वो बाशरा लोग थे बल्कि एक तो मदरसे की वो ख़वातीन थीं और उनके मियाँ ख़ुद भी एक मदरसा चला रहे और उन्होंने बड़ा रोते हुए मुझे बताया कि मेरे मियाँ कहते हैं कि ये हर तरह से जायज़ है बात जो भी कर रहे थे। मैंने बड़े तरीके से उन साहब से एक दिन अलहदा ज़ाती मसला बता के उनसे मिलने की कोशिश की और बातों बातों में मैंने उनसे ये कहने की कोशिश की कि मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं तो उनका ये मसला है तो आप क्या कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जी असल में इस पे वाज़े राय नहीं है फ़लाँ मसलक इसको जायज़ कहता है फ़लाँ ये कहता है फ़लाँ वो कहता है। मैंने इस पे फेसबुक पे भी लिखी थी पोस्ट और ये हया वाली बात है और शादीशुदा लोगों को तो इसकी समझ आएगी लेकिन जो जवान बच्चे हैं अभी शादियां नहीं हुई लेकिन अल्लाह ने उन्हें ये ड्यूटी अगर उनसे लेनी है ये सबको पता होना चाहिए। ये आप किसी भी पढ़े लिखे उलमा से उस आयत की तफसीर देखें ठीक है ये फिर से मसलकी इख्तलाफ में पढ़ के उसको जो है ना बहुत ही डिफरेंट साइड पर ले जाते हैं बड़े बड़े नाम बीच में डाल के या फलाँ या फलाँ। सादा सी बात है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं खेती का मेन पर्पज़ क्या है उसमें बीज बोया जाता है उसमें बीज बोया जाता है ठीक है और वहाँ या फसल उगाई जाती है या फल लगता है या दरख्त बाग लगाया जाता है खेती का ये पर्पज़ है। अब ये मुझे आप बता दें कि या तुम्हारे घर हैं तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे घर हैं अपने घरों में जिधर से मर्ज़ी दाखिल हो या सीधे रास्ते से दाखिल हुआ करो ये भी एक आयत है। अब घर मेरा ही है लेकिन अगर मैं दीवार फलांग के रात को आ रहा हूँ गेट नहीं खोल रहा या दिन को भी दीवार फलांग के आ रहा हूँ मेरी घर वालों से लड़ाई हो गई या मैं नहीं चाहता कि कोई गेट पर मेरे लिए आए मैं खुद ही अंदर चले जाऊँगा मैंने किसी का एहसान नहीं लेना या मैंने पिछली तरफ से छलांग मार के अंदर आके देखता हूँ कि ये अंदर क्या कर रहे हैं छापा मारता हूँ तो ये मैं देखने वाले लोगों को दावत दे रहा हूँ कि इस घर में छलांग गलत तरीके से मार के दीवार फलांग के आया जा सकता है ये गलत तरीका है घर का दरवाज़ा रखा ही इसीलिए गया है। इसी तरह जो आपका घर है उसमें खाना आप लोग किचन में पकाते हैं कि बाथरूम में पकाते हैं बस ये जवाब है मेरा। आप खाना जो है वो किचन में पकाते हैं कि बाथरूम में पकाते हैं जब आप खाना किचन में पकाते हैं और बाथरूम में नहीं पकाते हैं और डाइनिंग रूम में आप छींची नहीं करते हैं कि लगे हाथों इधर छींची कर लेते हैं तो फिर अगर आपको घर की समझ है तो इस आयत को समझने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए
ठीक है, लेकिन अगर हमने दूसरी कौमों को जो बेरारवी का शिकार हैं या हमने वो शैतानी तरीके अपनाने हैं, वही बात के जी हफ्ते वाले दिन हमने मछली दरिया से नहीं पकड़ी, साइड से पकड़ी है, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है यार, आप जो मर्ज़ी करते रहें, ये आपसे पहली कौमों ने भी किया है। तो सादा सी बात है कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट हैंड लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे, वहाँ वो मुँह लगाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? सादी सी बात है, आप मुझे बता दें। बाकी जो आप इसके लिए अहदीस कोट करेंगे, कोई बंदा, मैं ये डिबेट पे नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि इस अगर ये वीडियो तुमने लगा दी उसके नीचे कमेंट्स शुरू हो जाएंगे, कोई काफर कहना शुरू हो जाएगा, अपने अपने मसलक से जिसके ऑपोजिट किसी को मेरा नुक्ता नज़र लगेगा वो दूसरी अहदीस उठा लाएगा। मैं आलिम नहीं हूँ, आप लोग ही आलिम हैं, और आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर मेरे से बहस करने की बजाय आप सही हैं अगर आप लोग समझते हैं कि मैं गलत हूँ, ये मेरी राय है, ठीक है। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं फजूल राय दे जा रहा हूँ, मैंने भी शायद वही किताबें और हदीसें पढ़ी हुई हों, शायद मेरे अल्लाह ने उसी कुरान का इलम मुझे भी दिया हुआ हो, मैंने पढ़ा ही हो, मुझे उस तफसीरों से वहाँ से गुजारा हो, मैं वो सारी पढ़ के ही शायद बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इस मामले में बहुत मोहतात हूँ। मेरा ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं तो कोई आलम हूँ नहीं भाई, एक सादा डॉक्टर हूँ मैं हत्ता के कोई बाबा नहीं हूँ, ये भी बात आप लोगों को क्लियर करूँगा, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना कोई सूफ़ी हूँ, ना कोई आलिम हूँ, ना कोई स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, रूहानी शख्सियत, औलिया कराम और सूफिया कराम, पता नहीं क्या बड़े बड़े नाम हैं, मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे जाने के बाद भी अगर आज अल्लाह मेरी रूह कब्ज़ कर लेता है किसी भी तरीके से, मेरे जाने के बाद भी मुझे कुछ बनाने की कोशिश ना करना, मुझे अल्लाह ने जो बनाया है मैं उस पर बहुत मशकूर हूँ उसका, उसने मुझे इंसान बनाया है, एक आम इंसान, और मैं इसमें बहुत राज़ी और खुश हूँ, और एक डॉक्टर हूँ, मैंने आज तक अपनी आईडी नहीं छोड़ी है, ठीक है, और मैं डॉक्टरी एलोपैथी कर रहा हूँ, लेकिन एलोपैथी मैं किसी के साथ, किसी को मैं एलोपैथी का जिन नहीं उसके सामने पेश कर रहा कि मैं इसके साथ ये कर दूँगा और वो कर दूँगा, कोई माइकल लाल डॉक्टर मेरे सामने खड़ा होकर ये बात नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ से एलोपैथी गलत की है, डिलिब्रेटली की है, नेगलेक्ट की है अपने पेशेंट के ऊपर, और मैं उसके ऊपर पीरी फकीरी करता रहा हूँ। मैंने इस शहर में जिस लेवल तक इंटेंसिव केयर की है, मैं उसके लिए अपने अल्लाह को जवाबदेह हूँ, और मेरा अल्लाह मेरी नीयत का हाल बहुत खूबसूरत जानता है। मैंने दुनिया के किसी सर्टिफिकेट की ना कभी परवाह की है, ना मुझे किसी सर्टिफिकेट की चाहत है, ना डॉक्टरी में, ना रूहानियत में, ना तसव्वुफ में, ना मज़हब में, मेरा कंसर्न सिर्फ मेरा अल्लाह है, और मेरे मरीज़ हैं ज़रूर जो मेरे तक आ रहे हैं, मेरी एक ड्यूटी है, मैं उन्हें अपनी अकल समझ के मुताबिक एक दवाई बताता हूँ, उसमें उनके नफ्सियाती मसाइल भी हैं, समाजी मसाइल भी हैं, ज़हनी उलझने हैं, मेरे पास आ जाके एक ही चीज़ है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सूरह रहमान रहमान, अल्लाह कह लो रहमान कह लो, ये सबक है जो मैं दे रहा हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि ये इससे भी आगे बात है ज़रा मफलूज हो गया है, तो कसीदा बुरदा शरीफ बता देता हूँ, होशो आवाज़ से बेगाना है कसीदा बता दूँ या दमाल लगवा देता हूँ, कोई मौसीकी सूफियाना कलाम उसे फिर सुनवा देता हूँ जिसका पता होता है कि ये कुरान की अज़मत को नहीं समझ भी सकेगा, आगे से कोई बदतमीज़ी ना कर दे, हालतें ऐसी होती हैं वो सुन नहीं रहा, या उसकी हालत उल्टा कुरान सुनने से ज़्यादा ख़राब हो रही है, कैफियत उस पर वारद हुई हुई हैं, वो ख़ुद बेचारा इतनी ज़्यादा इबादत करके मेरे से भी ज़्यादा नेक और इबादत गुजार है, और उसके ऊपर कैफियत आ गई हैं, उसको समझ नहीं थी, और उसको डॉक्टर तो साइकी का मरीज़ बना रहे हैं, तो मैं उसको सूरह रहमान नहीं, उसको जिस तरीके से भी डील करता हूँ वो आप लोगों ने देखा है। लेकिन हरगिज़ मैं ये करने नहीं बैठा हुआ कि आप लोग अपने अपने मज़हब छोड़ दें, या पीर काकी तार तो मुआशरे ने उन्हें नाम दिया, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई काकियों का पीर हूँ, या मैं सिर्फ काकियों के लिए हूँ, या आप ये समझें कि हम मस्त मस्त कोई दमाले डालने आए हैं, या जफियाँ डालने आए हैं, या प्यार करने आए हैं, ये मादर पिदर आज़ाद कोई, मैं बात आप लोग को कह रहा हूँ, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के असूल हैं वो अपनी जगह रहेंगे, ठीक है। बाबा जी मैं तो बहन कह रहा हूँ, मैं बाबा भी नहीं हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, ना मैं कोई शादियाँ करने बैठा हुआ हूँ, ना कराने बैठा हुआ हूँ, ना फेयर चलाने बैठा हुआ हूँ, मैं तो एक अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ,
वो मैं इसलिए वो डियर जिंदगी में मुझे अच्छा लगा कैरेक्टर शाहरुख खान का, वो जो उसने आखिर में अपनी पेशेंट को डील करते हुए लास्ट उसका जो स्टेप है, तो मेरा शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो। मैं प्यार कर रहा हूँ, मुझे पता है अकीदत भी डेवलप होती है, प्यार डेवलप हो जाता है, अकीदत डेवलप होती है, वो भी एक लिमिट पे आपको रखना पड़ेगा। जहाँ मुझे लगता है कि आप मुझे इंसान से कहीं और ऊपर की मखलूक बनाने लगे हैं, तो मुझे पता है कि मैं ज़लील हो जाऊँगा, क्योंकि इंसान से ऊपर कोई मखलूक नहीं है, मैं इंसान ही रहूँ तो ये बेहतर है। और अगर मैं जानता हूँ मैं कितना अच्छा हूँ, आप लोग उससे ज़्यादा अच्छा अगर मुझे समझेंगे और मैं कितना गुनाहगार हूँ, मेरी कितनी औकात है, आप लोग मेरे गोडे गिट्टे चूम के ये बताना शुरू कर देंगे कि आप तो कोई अवतार हैं, पवित्र हैं, ठीक है, ये मेरा दिमाग ख़राब कर देगा और मैं जलील हूँगा, और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी बजाय ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं जितना भी नेक हूँ आप उतना भी ना समझें, ठीक है, मुझे मेरी औकात में रखें या औकात से भी नीचे रखें, तो वो मेरे लिए कम अज़ कम अच्छा है और आप लोगों के लिए। عَلَّمَهُ الْإِنسَانَ